श्री गंगानगर से लेकर राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए अजमेर में घूमर सिक्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के द्वारा लोकगीतों पर अलग अलग डांस भी किया गया। आखिर में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों और महिलाओं को अलग अलग टाइटल और प्राइज देकर सम्मानित किया। दरअसल अजमेर में पिछले कई सालों से राजस्थानी वेशभूषा सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए घूमर कार्यक्रम आयोजित होता है। जयपुर से खबर, जहां 1,00,000 मठरियां रामनवमी महोत्सव पर श्री नाथ जी की तरफ से रामलला मंदिर में भेंट की जाएगी। समाज सेवी गोकुल माहेश्वरी ने बताया कि तिलकायत राकेश गोस्वामी व चिरंजीव विशाल बाबा के सानिध्य में 1,00,001 मठरी श्री नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा से रवाना होकर भीलवाड़ा, जयपुर, मथुरा, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। सभी भक्तों को रामनवमी के महापर्व पर यह प्रसाद वितरित किया जाएगा। भीलवाड़ा, जयपुर, मथुरा व लखनऊ में 10,000 मठरियां भक्तजनों को वितरित की जाएगी। बाकी शेष 60,001 मठरी अयोध्या में रामलला के द्वार रामनवमी के महापर्व पर वितरित की जाएगी। श्री रामचंद्र जी मंदिर चांदपोल बाजार से इस प्रसाद का वितरण शुरू होगा। यह महाप्रसाद नाथ द्वारा से अयोध्या महाप्रसादम यात्रा 14 अप्रैल 2024 को रवाना होकर हमारे मदन गोपाल राम जी को 1,00,000 खाजा के श्री रामनवमी महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। यह महाप्रसाद नाथवत द्वारा से 14 अप्रैल को सुबह रवाना हुआ, जो भीलवाड़ा होते हुए देर शाम जयपुर पहुंचा। इसके अगले दिन 15 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेगा। यह प्रसाद अयोध्या में 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे पहुंचेगा। श्री रामनवमी महोत्सव के अंदर श्री नाथ द्वारा से आज 1,00,000 मठरी का भोग आया है, जो पूरा भीलवाड़ा में, जयपुर में, मथुरा में, लखनऊ में 10,000 करके अयोध्या तक पहुँचेगा। मठरी एक प्रसाद है जो कल से जयपुर में रामचंद्र जी के मंदिर, प्राचीन मंदिर जो रामचंद्र जी का है, वहाँ पे चांदपुर बाजार में वितरित किया जाएगा। जोड़ा गया है तो इसको किस तरीके से तैयार किया गया था, कितने लोगों की इसमें मेहनत है? सबसे पहले तो रामनवमी की अग्रिम बधाई, और हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रधान पीठ पुष्टि मार्की और उनके जो पीठाधीशर हैं तिलकायत गोस्वामी श्री राकेश जी महाराज श्री, उनकी आज्ञा और श्री विशाल बाबा श्री की प्रेरणा से एक ये ऐसा आयोजन जो सदियों में पहला ऐसा हम सभी हिंदू और सनातनियों के लिए अवसर है कि जब रामलला विराजे और रामलला की पहली हम रामनवमी जब मना रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक बड़ा संयोग है कि अयोध्या में जैसे रामलला हैं वो बाल स्वरूप में हैं, तो वैसे ही श्रीनाथ जी जो हैं वो कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में 7 साल के जो अपने एक बाल स्वरूप हैं वही हमारे यहाँ विराजते हैं। तो पहला तो संयोग ये कि बाल स्वरूप से बाल स्वरूप है, और उसके बाद श्रीनाथ जी का जो प्रसाद है वो विश्वविख्यात है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसा अवसर महाराज श्री की आज्ञा से और बाबा श्री की जो प्रेरणा से ये हुआ है कि 1,00,001 मठड़ी जो नाथद्वारा से लगाकर अयोध्या तक की जो महायात्रा है महाप्रसाद की, तो उस यात्रा में जो पड़ाव थे भीलवाड़ा, जयपुर, उसके बाद मथुरा है, फिर लखनऊ है और फिर अयोध्या है। तो यहाँ विशेष अवसर यही है कि मार्ग में पड़ने वाले जितने भी जो हमारे पुष्टि मार्ग से रिलेटेड वैष्णव जन हैं, तो उनके ऊपर प्रसाद के रूप में, क्योंकि प्रसाद भी ठाकुर जी साक्षात अपने आप में प्रसाद के रूप में विराजते ही हैं, तो उनके लिए ये भाव है कि प्रसाद जिन जिन को जहाँ पर जिस तरह से पड़ाव हैं, आज जयपुर में है तो जयपुर में कल जैसे वितरित होगा माधव जी की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से, तो इनका एक योगदान जो है ये हम सभी के लिए और जितने भी जो हम वैष्णव जन हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम इस अभियान में एक सहभागी बने हैं। आपका नाम? और मैं श्रीनाथ जी मंदिर से महाराष्ट्र का पीआर और मीडिया प्रभारी हूँ, गिरीश व्यास है नाम मेरा। सूरतगढ़ से खबर, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं